तो हमारे साथ रश्मि है और हम जानना चाहेंगे कि इनका एग्जाम कैसा हुआ है, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है। मैम इजी टू मॉडरेट। अच्छा मैम मुझे बताइए साइंस का पोर्शन कैसा रहा? नॉट सो टफ, ठीक था, सो सो था। हाँ हाँ। और मैथ्स? मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था मैम। मैथ्स कैलकुलेटिव। अच्छा मुझे ये बताइए मैम सीडीपी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, आपको कैसा लगा? टफ था? मैम मैं अगेन वही बोलूंगी इजी टू मॉडरेट फॉर मी, एकदम इजी भी आप नहीं कह सकते हो, बट ठीक था, इट वॉज ठीक ठीक। अच्छा, अगर लैंग्वेजेस की बात करें यानी कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश आपका कैसा रहा, कैसा पेपर, मतलब कैसे क्वेश्चंस? सर इट वाज गुड, नॉट सो टफ। मैं ये भी जानना चाहूंगा स्कोर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? होपफुली 100-220 तक मे बी। बहुत बढ़िया। तो सर मैं डायरेक्ट बच्चे से ही आपको कनेक्ट करा देती हूं। मेरी कांग्रेचुलेशंस आपके साथ है। मैं डायरेक्ट बच्चे से ही आपको कनेक्ट करा देती हूं, तो बच्चा अपना एक्सपीरियंस खुद ही शेयर करेगा। मैम जरा बताएंगे पेपर कैसा था? मैम बताएंगे सर इट वॉज इजी टू मॉडरेट था सर अगेन इजी टू मॉडरेट, सम क्वेश्चन वर थोड़ा थोड़ा टफ था बट ठीक था, इतना भी टफ नहीं था सर। पेपर मॉडरेट था सर। बच्चे इजी पेपर बता रहे हैं। सॉरी सर जीन प्याजे वाइगोसी से कुछ आया था? ओनली टू क्वेश्चन सर, जस्ट टू क्वेश्चन। यस हिंदी ठीक था सर, ठीक था, नॉट सो टफ। लैंग्वेज ईजी बता रहे हैं बच्चे इस बार। साइंस और मैथ्स आपका कैसा रहा? सर साइंस ठीक था, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। एग्जैक्टली यस 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 यस। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर थे, सुबह से लाइव हमने रिपोर्टिंग की कि भाई कैसा एग्ज़ाम आया है, पेपर का पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पर आपको बताया, पेपर वन का भी और पेपर टू का भी। तो अब सर मुझे बताइए पूरा दिन आप यहाँ रहे, आप ये बताइए आपने दोनों पेपर्स में बच्चों का देखा कि भाई उनका रुझान कैसा रहा है, तो वो किस तरीके से, मतलब आपको क्या लग रहा है पेपर वन ईजी था या पेपर टू ईजी था? मैं अगर आपको बताऊँ जितने बच्चों से मैं लगातार सुबह से मिला हूँ उन सारे बच्चों का ये कहना था कि पेपर सेकेंड तो रहा है आसान, यानी कि पेपर सेकंड में चाहे लैंग्वेज की बात थी, चाहे वो सीडीपी की बात थी या फिर हम बात करें मैथ्स की, वो सारे ही आसान थे। लेकिन अभी जो हम पार्ट देख पा रहे हैं पेपर फर्स्ट वाला, उसमें ज़्यादातर बच्चे इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि पेपर वन टफ आया है, बच्चे टाइमिंग्स पूरी नहीं कर पाए। यानी मैं बताऊँ आपको 150 क्वेश्चन जो करने थे बच्चे उसमें से काफ़ी छोड़ के आए हैं। एक बच्चे ने हमें अभी रिपोर्ट किया है कि उसका एक पार्ट लैंग्वेज वाला लास्ट में छूट ही गया। इसका मीन्स है पेपर लेंदी था और थोड़ा टफ था, वरना पेपर सेकंड की तरह से अगर बच्चे करके आते तो 100% उनके लिए आसान होता, ये मैम रहा है। हाँ तो इसमें मतलब मेन ये है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमने पहले भी अपने काफ़ी क्लासेस में बच्चों को बताया भी था कि समय प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेपर का कोई ना कोई पोर्शन मिस हो जाएगा। मैं हमेशा बच्चों को कहता रहा कि आपकी जो लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 1 question 1 minute, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन हैं और 150 मिनट्स हैं। अगर ये पेस बना के नहीं चले तो बिल्कुल पेपर छूटेगा, और वही कहानी कुछ बच्चों के साथ फर्स्ट पेपर में बनी है, जबकि सेकंड में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं आया। इसका मींस पेपर फर्स्ट आसान रहा है और पेपर सेकंड आसान रहा है और पेपर फर्स्ट मुश्किल रहा है। हाँ बिल्कुल सही, वही मिले जुले हमें रिस्पॉन्स मिले हैं बच्चों के, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का कहना यही था कि पेपर लेंदी है, तो इसका मीन्स कि पेपर थोड़ा सा टफ भी आया, लेवल थोड़ा सा बढ़ा है पिछले पेपर के कंपेयर में। और मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जितना स्टफ हम देख पा रहे हैं, यानी कि जो जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, चाहे वो पेपर सेकेंड था या फर्स्ट था, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर मैं कहूँ आपको मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप KD लाइव टीचिंग से जुड़ेंगे तो 100% आप बेनिफिटेड रहेंगे, यानी वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस को लेके आपका स्कोर बढ़ाने वाला है। क्योंकि सर सारी चीज़ें मैंने देखा, क्वेश्चंस भी मैंने अभी बैठ के एनालाइज भी किए थे सारे, हमारे जितने भी क्लास हमने ली हैं, चाहे मैराथन क्लास हो, हर से मतलब क्वेश्चन कुछ ना कुछ आया ही आया। मैं भी इंग्लिश में देख पा रहा हूँ कि इंग्लिश में जितनी चीज़ें हमने पेडागोजी में पढ़ाई या फिर मैं कहूँ आपको ग्रामर में पढ़ाई, वो चीज़ें उसी तरह से मिली हैं पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट में भी। हाँ वो अलग बात है कि बच्चे उसको कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।